वेलकम टेक्सचर आर्ट वर्क। सभी भाइयों को टेक्सचर आर्ट वर्क की तरफ से नमस्कार है। बहुत दिन के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे मटेरियल की प्रॉब्लम था पहले से ही, बाद में लॉकडाउन एकडाउन हो गया, केरला नहीं जा सकते तो मटेरियल नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ा कुछ मिला है, इसमें आज एक सैंपल बनाया हूँ। देखो ये डिज़ाइन ऐसा है और इस डिज़ाइन के ऊपर मैंने कुछ डार्क ब्राउन मारा हूँ। तो आज इसकी डिज़ाइन पैटर्न कैसे बनता है इसके बारे में बताऊँगा। और इसके ऊपर आपकी मर्जी कुछ भी कलर आप लगा सकते हैं, कौन सा भी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट की तरह जैसा होता है जैसा कलर बनाओ। लेकिन मैंने तो इसमें ब्राउन मारा हूँ, तो अभी आपको इस पैटर्न के बारे में बताऊँगा। जो रेगुलर यूज़ करता हूँ वही मटेरियल है वो, इसको तो आप बिरला पुट्टी में भी कर सकते हो, क्योंकि वो डिज़ाइन मैंने बनाया था एकदम स्मूथ मटेरियल में। जो ये टेक्सचर है ना, इसमें और एक आता है, जैसे आपका एशियन पुट्टी है ना, एशियन पुट्टी की मतलब क्या होता है, एक्रिलिक पुट्टी बोलते हैं, जैसा एक टेक्सचर आता है। वो अभी मार्केट में इधर नहीं है क्योंकि उसे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो मटेरियल मार्केट में नहीं मिल रहा। जब उसको लाने के लिए तो मैं बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसकी वजह से अभी हम यही सिंथेटिक प्लास्टर है। अभी जो मैं डिज़ाइन के लिए जिस मटेरियल को लगा रहा हूँ ये सिंथेटिक प्लास्टर है, इसमें थोड़ा कुछ स्टोन भी है, तो देखेंगे इसमें डिज़ाइन कैसा बनता है। ये मटेरियल तो बहुत शानदार मटेरियल है। फिर हम टेक्सचर के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, नंबर वन क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करता हूँ, कोई हैरा गहरा मटेरियल नहीं डालता हूँ, क्योंकि जो पैसा देता है हम पैसा लेते हैं, तो दोनों में क्या ईमानदारी चाहिए, इसके लिए मैं एकदम अच्छा मटेरियल डालता हूँ। आज की डिज़ाइन के लिए मटेरियल इतना मोटा भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत पतला ही आता है। और आपको डिज़ाइन के लिए मैं आज यूज़ कर रहा हूँ चेंज का ब्लेड है, पुट्टी ब्लेड। आपको चाहिए तो 9 इंच भी यूज़ कर सकते हो, तो जैसा एक आदमी जैसे पुट्टी डाल रहा है जैसे डालते जाओ, देखो थोड़ा ऐसा नीचे ऊपर नीचे करना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न के लिए आप कैसे भी करो लेकिन एक एक ये ब्लेड होता है ना, ये इधर लिया तो एक थोड़ा इधर ले लो, एक थोड़ा इधर ले लो, बीच में एक ले लो, ऐसा ही आना चाहिए, लंबा छोटा लंबा छोटा। इस पैटर्न ऐसा ही से थोड़ा सूखने के बाद हम फ्लैट भी कर देते हैं तो कुछ स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स जैसा आ जाता है। हम कितना ज़्यादा मोटा लगाएगा ना तो क्या होता है, कुछ डिज़ाइन खराब भी हो सकता है, कि जब फ्लैट हो जाता है ऐसा फ्लैट करते हो उस वक्त, ये जो हमने ये डिज़ाइन के लिए गड्ढा बनाया ऐसा, वो गड्ढा सब भर जाता है। इसके लिए ज़्यादा मोटा मत रखो, आपको जब इस ऐसी डिज़ाइन करने की मन करता है तो पहली बार थोड़ा छोटे जगह पर बना के देख लो, उसके बाद ही आप बड़े दीवार पर करो। क्योंकि एक बार हमको भी क्या होता है आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस डिज़ाइन ऐसे बनता है, तो हम हिम्मत से कर सकते हैं, यही मेरा बात है। हर टेक्सचर के काम करने वाले को भी थोड़ा थोड़ा पहले में मुश्किल होता है, बाद में जो हाथ चलता है एक्सपीरियंस होता है, आप कैसे भी कर लो, अपना ही डिज़ाइन है, इसमें कोई कंपनी वाला वो ये हुआ कि वो ऐसा नहीं हुआ ऐसा हुआ ऐसा बोलने की चांस ही नहीं है। देखो अभी आपको इस डिज़ाइन ऐसा दिखता है, देखो ऐसा दिख रहा है ना, अभी थोड़ा सूखने के बाद इसे
हम थोड़ा इसको जैसे ऊपर से ऐसा फ्लैट कर लेते हैं, दबाने का नहीं, जस्ट ऊपर से ऐसा लेके जाओ। जब ज्यादा सूखेगा तो ज्यादा दबाओ, तो कच्चा है तभी ये डिजाइन सब बनता है, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा है आपको जल्दी दीवार पर बन जाता है। तो आप ऐसा फिनिशिंग दे लो, ऐसा फिनिशिंग देने से ये डिजाइन बन जाता है। ये डिजाइन देखो, अभी ये फिनिश हो गया, इतना ही है, इसमें ज्यादा काम नहीं है। देखो ये फिनिश ही हो गया, डिजाइन ऐसा आता है दीवार पर। आपको इस डिजाइन को कुछ अलग तरीका चाहिए तो ब्रिक जैसा काट भी सकते हो, 9 इंच में, 6 इंच में, आपको इसको डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा दीवार ऐसा भी रख सकते हो, नहीं तो इसके ऊपर स्टेंसिल डाल सकते हो, जैसे सूखने के बाद जो पेपर स्टेंसिल होता है, जैसे फ्लावर, इसकी सब इसके ऊपर कर सकते हो। जैसे देखो ऐसे एक्सरे में काटा हुआ स्टेंसिल होता है, इसे भी कुछ जगह पर सूखने के बाद ऐसे रख के अलग एक एक्स्ट्रा कलर दे सकते हो, नहीं तो इसको आप स्क्रू ड्राइवर में जैसे ब्रिक जैसा पैटर्न कर भी सकते हो, जैसे ऐसा काट लो, देखो ऐसा काटो और इसके आगे करो, देखो ऐसा ब्रिक पैटर्न भी आप इसमें कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। देखो आपको ऐसा ब्रिक भी कर सकते हो इसको, और जो डिजाइन बनाते हो तो हमको भी उसका थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि हम किस तरह बना सकते हैं। और आगे इस डिज़ाइन को मैंने देखो, वो डिज़ाइन और ये डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही तरह है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा गोल्ड मार के दिखाएंगे, देखो ये सैंपल बनाया था, मैंने दिखाया था अभी ये डिज़ाइन कैसा है बोल के, देखो ऐसे ही है। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा वाटर बेस गोल्ड है इसे लगा के दिखाऊंगा आपको। दूसरा कुछ कलर करने का आइडिया है तो कलर वाश भी इसके ऊपर कर सकते हो, नहीं तो इसमें तीनों कलर भी डाल सकते हो, जैसे कॉपर, थोड़ा सिल्वर, ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें आप थोड़ा अच्छा खासा स्पॉन्ज में ही कलर करो, क्योंकि डिज़ाइन बहुत पतला होता है, अंदर भी चला जाता है, इसके लिए स्पॉन्ज में करने का, जैसे आपको ऐसा आप गोल्ड देते हो ना तो स्पॉन्ज में दे दो, वो थोड़ा आपको अच्छा होगा, जो एकदम अंदर नहीं घुसता है, नहीं तो डिज़ाइन थोड़ा अंदर हो जाता है, नहीं तो आपको डिज़ाइन मोटा करना पड़ेगा, मटेरियल मोटा ज़्यादा रख के थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, मटेरियल बचाने का है, डिजाइन सस्ते में बनने का है, थोड़ा पतला बुक करके बनाओ। एक शानदार डिज़ाइन है, जो भी गोल्ड मारने पर भी ये डिज़ाइन आपको ऐसा दिखता है, जैसे अभी इसके ऊपर दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा दे सकते हैं, जैसे कॉपर या सिल्वर, इसके ऊपर देखो आज थोड़ा कॉपर भी दे देते हैं, आखिर में कैसा दिखता है देखेंगे। मेरे को लगता है ये सिर्फ एक ही कलर में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी चाहिए तो बीच बीच में थोड़ा कॉपर देंगे, पूरा नहीं, जस्ट उधर उधर एक एक थोड़ा थोड़ा निशान जैसा बना दो, तो कोई अलग सा एक लुक आएगा। कलर से भी ज़्यादा क्या होता है, कलर से भी ज़्यादा आपको जो पैटर्न क्रिएट करते हो दीवार पर, यही इसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए,
कलर आखिर में कैसे भी बन जाता है, कलर के बारे में सोचो ही मत। जब आप जिस डिज़ाइन को बना रहे हैं उसकी बार उसके ऊपर फोकस करो। आप जो पैटर्न निकाल रहे हैं सारे दीवार पर, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा। देखो भाई आपको ये डिज़ाइन कैसा दिख रहा है, इधर थोड़ा अंधेरा है रूम के अंदर, फिर भी आपको देखो ये डिज़ाइन ऐसा दिखता है। ये दीवार पर आया था एक्चुअली, दीवार पर आया तो भी इतना ही अच्छा दिखता है, बड़े दीवार पर नहीं तो पिलर पर, हर जगह पर ये डिज़ाइन मेरे को ठीक लग रहा है। आप के राय को आप हमसे बता सकते हैं कि ये डिज़ाइन क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताओ। और हमारी चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, और आगे सोचेंगे नया वीडियो डालेंगे। आज एक नया डिज़ाइन मैं सैंपल करने वाला हूँ, तो नया डिज़ाइन बनेगा तो कल नहीं तो परसों एक एक वीडियो डालेंगे हम। इतना दिन वीडियो नहीं डाला इसकी वजह था मटेरियल, अब मटेरियल मिल गया तो नया वीडियो बना के डालेंगे। और हमारे चैनल में जो सब्सक्राइब लोग हैं उन लोगों को सब मेरा धन्यवाद और नमस्कार, सब कुछ है। ओके आज के लिए इतना, गुड नाइट। और रात में बना रहा हूँ इसके लिए गुड नाइट बोल दिया गलती से, सॉरी।